Assalamualaikum dear students, our today's topic is the continuity of the previous the same chapter ke accounting aur baki jo accounting ke under different departments hain unka kya functions hai ek organization mein kya role hai unka. Humne isse pehle accounts ka discuss kar liya tha, financial accounting ka function discuss kar liya tha previous part mein. Secondly humne management accounting ka function discuss kar liya tha. Aaj hum treasury ka function discuss kar. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ट्रेजरी है क्या. सो व्हाट इज द ट्रेजरी. ट्रेजरी मैनेजमेंट हम कहते हैं कि इट इज द कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैटर्स. जिसमें जनरेशन ऑफ फंड्स मेन चीज जो है, दैट इज जनरेशन ऑफ फंड्स. देन द मैनेजमेंट ऑफ करेंसीज एंड कैश फ्लोज. फॉरेन एक्सचेंज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, करेंसी चाहिए आपको, कौन सी करेंसी, लोकल या एक्सटर्नल करेंसी की रिक्वायरमेंट. फिर कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट कि कैश आपका करंट कितना है, फ्यूचर में कितना होगा. एंड कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज, कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. ओवरऑल जो फाइनेंस से मुतलिक हैं, जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से लेना है. डिफरेंट जो कम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामला होते हैं, कहाँ कहाँ चीजें, उन सारों को एक्चुअली आपका ट्रेजरी जो फंक्शन है, डिपार्टमेंट है, वो हैंडल करता है. की रोल्स ट्रेजरी और फाइनेंस फंक्शन के क्या क्या होते हैं. सबसे पहले है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि आपने वर्किंग कैपिटल में एक बैलेंस रखना होता है. वर्किंग कैपिटल इज एक्चुअली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट्स में आपके मेजर ग्रो करंट एसेट्स आते हैं, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री. माइनस पेएबल्स जब हम करते हैं तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल है. यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल कैपिटल. बट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. इसका बैलेंस कैसे करते हैं कि हमारे पास हम देखते हैं कि इन्वेंट्री डेज क्या है. तो इन्वेंट्री डेज से क्या पता चलता है कि इन्वेंट्री हमारे पास कितने दिन रहती है. फिर उसके बाद हम जब बेचते हैं तो रिसीवेबल कितने दिन लगाते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास इन्वेंट्री 40 डेज रहती है. रिसीवेबल को हमने 20 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया होगा. 40 + 20 इन्वेंट्री लेने से लेकर हमारे पास पैसे आने तक 60 डेज रिक्वायर्ड है. तो लेट्स से हमें हमारा पेएबल जो है वो 30 डेज या 25 डेज देता है. तो 25 डेज देता है तो इसका मतलब है 35 डेज जो है ये हमारे पास हमें पैसा चाहिए अपने आप को फाइनेंस करने के लिए. क्योंकि हमने जो पेएबल को पे करने हैं वो विद इन 25 डेज कर देने. लेट्स से मैंने आज इन्वेंट्री परचेज की तो मैंने तो 25 दिन बाद पेएबल को पैसे दे देने हैं. बाकी 35 दिन जो है वो मैं कहाँ से फाइनेंस करूँगा. दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. वो मुझे कहीं ना कहीं से बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में, या मेरे पास कैश इतना पड़ा हो, या फिर मे भी मुझे कोई इन्वेस्टर से और पैसे लेने पड़े. तो ये वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है जो कि इसका ट्रेजरी का रोल है. देन कैश मैनेजमेंट. कैश इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपको डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट कैश पे करना पड़ता है. कुछ कैश परचेजेस के लिए, कुछ आपने जो क्रेडिट परचेज की हुई हैं पेएबल्स के लिए, कुछ सैलरीज या और भी कैश एक्सपेंसेस उनके लिए. तो आप पहले से अपना कैश बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किन वाक्य पे कब आपको कितना कैश रिक्वायर्ड है और आप एडवांस में उसकी अरेंजमेंट करके रखें. देन इज द फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग से मतलब क्या है कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा. ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी हैं, बोरिंग ऑलरेडी कौन कौन सी हैं, ताकि हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उससे मैक्सिमम हम इनकम जनरेट कर सकें और कम से कम इंटरेस्ट हो. यानी असल में मेन तो चीज़ ये है ना कि हम कहाँ से पैसा लें. हम अगर शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं उसको डिविडेंड चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मांगता है. अगर हम लोन लेते हैं तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. कहीं से भी हम फाइनेंस रेज करें उसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो होगी. अब ये ट्रेजरी फंक्शन का काम है कि विच इज़ द बेस्ट सोर्स टू जनरेट फाइनेंस फॉर सम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट. डिपेंड करता है, देखना होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, कहाँ पे हम करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारा बेस्ट सोर्स कौन सा है. देन इज द फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करना है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है. अब वो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं और उनको 3 माह बाद पैसे देने हैं. आपको पता है पैसे डॉलर्स में देने हैं. व्हाट इफ के आज हम जो परचेज कर रहे हैं, आज डॉलर का रेट, लेट से पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो दैट इज करेंटली इट्स अ वेरी हाई पीक, वो 170 है.
फर्ज कर लो आफ्टर 3 मंथ्स इट गोज अप टू 200, तो आपको तो 3 माह बाद जो है वो फिर एक्स्ट्रा पैसे जनरेट करने पड़ेंगे लोकल करेंसी, क्योंकि आपका बिजनेस तो पाकिस्तान में है, आपकी जो इनकम है वो तो रुपीज में है, हाउ यू आर गोइंग टू पे दिस विद इन 3 मंथ्स, तो वो कैसे जनरेट करेंगे? उसके लिए फिर डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम अभी से डॉलर परचेज करके रख लें, या हम कोई हेजिंग कर लें, या कुछ स्वैप एंड डिफरेंट वो टेक्निक्स हैं जो आप आगे F9 यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है उसमें पढ़ेंगे जाके कि वो कैसे कैसे किया जाता है फॉरेन करेंसी की मैनेजमेंट किस तरीके से। देन देयर आर टैक्स रिलेटेड इशूज कि हाउ वी कैन लीगली अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, किस तरह से हम टैक्स जो है लीगली अवॉइडेंस, दैट इज कॉल्ड द टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मिटिगेशन, टैक्स अवॉइडेंस ये लीगल टर्म्स हैं, टैक्स इवेजन इट्स एन इलीगल टर्म, टैक्स इवेजन नहीं करनी हमें, टैक्स अवॉइडेंस करनी है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होती है। तो ये मामला भी ट्रेजरी फंक्शन ही देखता है। ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एग्जाम्पल दी, बिल्कुल उसी तरह से मिलती थी कि ये एग्जाम्पल है, यू गाइस मस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को पढ़िएगा, पढ़ के देखें कि हाउ एक्चुअली दे आर गोइंग टू मैनेज दिस अमाउंट, कैसे उनको जरूरत पड़ सकती है अगर वो डिले करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश या आपके करंट एसेट्स हैं, फिर मंथ पेएबल माइनस करेंगे तो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये उसने इक्वेशन में आपको बता भी दिया है। देयर आर एडवांटेजेस इन होल्डिंग आइदर लार्ज या स्मॉल बैलेंसेस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी आप रिसीवेबल बढ़ाएं या कम करें, कैश ज़्यादा रखें या कम रखें, पेएबल बढ़ाएं या कम करें, उसके हर एक के अपने अपने कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं। मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री की हम बात करते हैं तो इसके हमारे पास अगर हम ज़्यादा अमाउंट में इन्वेंट्री मेंटेन रखते हैं तो उसके अपने कुछ बैलेंसेस हैं फ़ायदे हैं, और अगर हम कम रखें तो उसके अपने फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री ज़्यादा रखने का क्या फ़ायदा हो सकता है कि आप कुछ बड़ा ऑर्डर भी आ गया तो फौरन उसको आप फुलफिल कर देंगे, कस्टमर को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो फॉर दैट कस्टमर विल बी हैप्पी। कम बैलेंस रखेंगे तो आपको होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, आपको स्टोर करने की जो कॉस्ट है, आपको इन्वेंट्री को अपने पास जो मेंटेन रखना है, इन्वेंट्री को अपने पास गार्ड्स रखने हैं, उसकी सिक्योरिटी, वो सारी कॉस्ट बच जाएगी आप। इसी तरीके से अगर लार्ज रिसीवेबल रखें तो इसका मतलब क्या है कि आप लार्ज रिसीवेबल मीन्स कि आप कस्टमर को बहुत लंबा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, कस्टमर विल बी हैप्पी, यार आज मैं चीज़ परचेज कर रहा हूँ मुझे तो 2-3 माह बाद पैसे देने हैं, बहुत खुश होगा। स्मॉल रखेंगे तो हमारे लिए रिस्क कम है, हर 2-3 दिन बाद हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो इररिकवरेबल के चांसेस कम से कम होते हैं, क्या जीरो कर दें, कैश सेल करें तो फिर तो इररिकवरेबल जीरो, क्या आप कैश सेल करते हैं, सो उसके बड़े होने का भी फायदा है और उस बैलेंस के छोटे होने का भी फायदा है। देन कम्स टू द कैश, आपके पास अगर कैश ज़्यादा पड़ा है तो यू कैन पे इमीजिएटली जिसको भी कैश प्रॉम्प्टली चाहिए, आपके पेएबल्स हैं, आपके कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक मांग लेता है जी उस पर इंटरेस्ट पे करें, यू हैव एनफ कैश कि आप उसको पे कर पाए। ऑन द अदर हैंड अगर लो कैश बैलेंस है तो इसका मतलब है लो कैश क्यों है, यू हैव इन्वेस्टेड योर कैश समवेयर एल्स, तो उससे इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम जनरेट होगी बजाय इसके कि कैश जेब में रखे रखें कहीं इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, मेरे मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ कि लेट्स से मेरा छोटा सा बिजनेस है, मेरे पास 1 करोड़ कैश में मैं रख लेता हूँ, 1 करोड़ कैश में रखने का क्या फ़ायदा है कि मैं कभी किसी की पेमेंट लेट नहीं करूँगा, एवरी क्रेडिटर विल बी हैप्पी फ्रॉम इट। लेकिन मैं उसी में से अगर 10,000 पास रखूँ, 90,000 कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, उसमें भी मेरा फ़ायदा है, जाहिर है मैं 90,000 इन्वेस्ट करूँगा तो उससे एक एडिशनल इनकम जनरेट होगी। ट्रेड पेएबल का बैलेंस ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा दिन ले रहा हूँ उनको पैसे देने के लिए, तो मैं अपने पास कैश ज़्यादा देर इस्तेमाल करूँगा, मुझे फ़ायदा है बजाय इसके कि मैं फौरन से पेएबल को देती हूँ, मैं ज़्यादा अर्सा अपने पास इस्तेमाल करूँगा। इसी तरीके से उसको रखने का कम बैलेंस रखने का फ़ायदा क्या है, ज़ाहिर है मैं जल्दी जल्दी पे कर दूँगा तो सप्लायर विल बी हैप्पी, जब उनको अपने टाइम पर जल्दी पैसे मिल जाएंगे और मैं लेट नहीं करूँगा तो वो हैप्पी होंगे। अब ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वर्किंग साइकिल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और ट्रेड पेएबल्स, ये एक्चुअली बैलेंस ऑफ एक कहानी होती है कि आप सारी चीज़ों को आपस में बैलेंस करते हैं कि मुझे किसका कितना बैलेंस चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और ये भी आपकी ट्रेजरी फंक्शन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इवेल्यूएटिंग एंड ऑब्टेनिंग फाइनेंस, डिफरेंट किस्म के सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास फाइनेंस के, जहाँ जहाँ से आप फाइनेंस रेज कर सकते हैं, उनको एवेल्यूएट करना और फिर उनको कैसे लेना है,
ये भी ट्रेजरी का रोल है. मेजर आपके दो सोर्स हैं एक्सटर्नली फाइनेंस बेस्ड करने, वन इज डेट यानी थ्रू लोन, ठीक है, एंड अदर इज द इक्विटी थ्रू सेलिंग द शेयर्स, जो ओनर है वो पैसा दे. लोन अगर आप लेते हैं ना तो डेफिनेटली उसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं. फायदे उसके क्या है, मेन एडवांटेजेस क्या है उसके, कि एक तो आपको जो इंटरेस्ट उस पर पे करना है दैट इज अलाउएबल अगेंस्ट टैक्स, क्योंकि आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद हो तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको हम कहते हैं, उसके बाद पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर बाकी जो प्रॉफिट बनता है टैक्स उस पर देना है आपको. इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट आपके टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करेगा जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी. ऑन द अदर हैंड इसका लॉस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है रिगार्डलेस कि आपका प्रॉफिट है या नहीं है. रेजिंग डेट फाइनेंस डज नॉट चेंज द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये इसका एडवांटेज है कि जो लेट्स से पांच ओनर्स हैं तो पांच में से जो एक है उसके पास मेजोरिटी शेयर. अब इसका मतलब ये है कि हम अगर जब भी पैसा चाहिए बजाय नए शेयर होल्डर्स लाने के हम लॉन्ग टर्म लोन ही लेते रहे, शेयर होल्डर खुश रहेगा जी मेरी मेजोरिटी अपनी जगह बरकरार है. ऑन द अदर हैंड अगर आप शेयर इशू करेंगे तो उसका कंट्रोल शिफ्ट हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि अब जब नए शेयर होल्डर हैं वो बाकी चारों के साथ इत्तेहाद कर लें तो ओवरऑल उनके मिला के शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, उनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो कंट्रोल वो ले लेंगे, इसलिए शेयर होल्डर्स खुश होते हैं इस वाले से. लेकिन ऑन द अदर हैंड जितना डेट आप ज़्यादा बढ़ाएंगे याद रखिएगा उतना कंपनी का रिस्क ज़्यादा होता है. क्यों, टाइमली डेट पे ना हुआ कंपनी कैन गेट लिक्विडेटेड, कंपनी बंद हो सकती है. टाइमली इंटरेस्ट पे ना हुआ कंपनी कैन बी सूड इन द कोर्ट, तो ये साथ रिस्क भी उसके साथ इन्वॉल्व है जो कि डिसएडवांटेज है. देन डेट टेंड्स टू बी चीपर देन इक्विटी. डेट बाज़ सस्ता भी हो सकता है क्योंकि नॉर्मली ये सिक्योर होता है, कोई एसेट आप अपना मॉर्गेज करवा लेते हैं उसके अगेंस्ट बाज़ इंटरेस्ट भी एक नॉमिनल से इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है विच इज़ वेरी चीप देन द इक्विटी. शेयर होल्डर से पैसा लेंगे तो जाहिर है लेट्स से अगर 10% बैंक दे रहा है इंटरेस्ट तो आपने उसको 10% से ज़्यादा ही रिटर्न देनी है तो तभी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर जब इन्वेस्ट करता है तो वो रिस्क ले रहा है, तो जब वो रिस्क लेता है इसका मतलब है उसको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए. तो अगर आप 10% से कम उसको रिटर्न ऑफर करेंगे तो वो कहेगा इससे बेहतर नहीं है कि मेरी सेफ इन्वेस्टमेंट है मैं बैंक में पैसा रखवा दूँ. सो ये इसके फायदे नुकसान हमने डिस्कस कर लिए, ऑल दो एडवांटेजेस देखे हैं, लेकिन साथ साथ मैंने आपको डिसएडवांटेजेस उसके बता दिए कि ये रिस्की हो सकता है, इंटरेस्ट हर सूरत में पे करना ही करना है चाहे प्रॉफिट है या नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो कंपनी के अगेंस्ट केस हो सकता है. जितना कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा होगा उतना ही कंपनी रिस्की लेवल पे रहती है. दीज आर द डिसएडवांटेज. इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी जो है मतलब कि आपने शेयर होल्डर से पैसा लेना है, शेयर शेयर करने है. उसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला कि देयर इज नो मिनिमम लेवल ऑफ डिविडेंड दैट मस्ट बी पेड. डिविडेंड पे करना जो है वो याद रखिएगा वो कंपनी की अपनी डिस्क्रिशन है, पे करे या ना करे. ये एडवांटेज है एज इन कंपैरिजन टू द डेट. डेट में इंटरेस्ट हर साल पे करना ही करना है, लेकिन इस पे आप डिविडेंड ना भी पे करें तो गुजारा हो जाएगा, बट इवेंचुअली याद रखिएगा नहीं पे करते तो शेयर होल्डर्स को कुछ तो आपने देना ही देना है. द बैंकर विल नॉर्मली रिक्वायर सिक्योरिटी इन द कंपनी एसेट. नॉर्मली क्या होता है लोन लेने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, कोई एसेट रखवाना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड इक्विटी के लिए ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं देनी पड़ती, सिंपली हम शेयर इशू करते हैं और शेयर होल्डर हमें पैसा दे देते हैं. लेकिन शेयर्स इशू करने का डिसएडवांटेज ये क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हो सकता है एक शेयर होल्डर से कंट्रोल शिफ्ट होकर दूसरों के पास चला. ट्रेजरी डिपार्टमेंट या फंक्शन उसका मेन रोल होता है कि वो इनका इन दोनों सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक लेवल मेंटेन करे. कौन सा सोर्स बेहतर है इसकी इवैल्यूएशन के लिए अगेन यू विल गो टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ 9. उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कि क्या कौन सा बेहतर है. आप दोनों को इवैल्यूएट करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों एस्पेक्ट्स को माइंड में. डिटर्मिनिंग टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, बिजनेस की टैक्स लाइबिलिटी जब आपकी कैलकुलेट होती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन
उसको मिटिगेट भी किया जा सकता है, उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है एज फार एज पॉसिबल विद इन द लॉ. तो टैक्स अवॉइडेंस इज एक्चुअली अ लीगल टर्म टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी. टैक्स इवेजन इज ऑन द अदर हैंड इज अ इलीगल टर्म. डेलिबरेटली आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसरिप्रेजेंट करें ताकि टैक्स लायबिलिटी कम हो. तो ये डायरेक्टर जो है ये इनकी ड्यूटी होती है कि शेयर होल्डर्स को उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. जाहिर सी बात है जितना टैक्स कम होगा उतना ही शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट बचेगा जो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. अब किस तरीके से टैक्स अवॉइड किया जा सकता है, याद रखिएगा ये हर मुल्क के जो टैक्स लॉज हैं उन पर डिपेंड करता है. इसके लिए आपके टैक्स कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं या इवन यू आर गोइंग टू बी द टैक्स कंसल्टेंट एज वेल आफ्टर स्टडिंग योर टैक्स पेपर दैट इज F6. तो उसमें फिर आप देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट रूल्स अवेलेबल जिनको इस्तेमाल करके हम एक एफिशिएंट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं. मतलब कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी जो कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक इस लेवल पे है उसको हम टैक्स रूल्स यूज करके थोड़ा कम भी कर सकते हैं और मे बी फ्यूचर में उसको डिले कर लें. ये मे बी कुछ हमारे अलाउएबल ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो वैसे हमने माइनस ना किए हों लेकिन जब हमें टैक्स के लॉस का पता हो तो हम वो माइनस कर लेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी. So that's all. This is the second portion of the chapter. वो हम already पढ़ चुके थे. ये उसका second part है और यहाँ पे हमारा वो खत्म होता है कि जो accounting का role है in the business and the organization.